रुड़की के सिविल अस्पताल का आज जॉइंट मजिस्ट्रेट ने निरीक्षण किया और सभी वार्ड ओपीडी व इमरजेंसी का जायजा लिया व डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज को लेकर पुख्ता इंतजाम करने के दिशा निर्देश भी सीएमएस को दिए। आज रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे रुड़की सिविल अस्पताल पहुंची और सभी वार्डों का निरीक्षण कर अस्पताल का जायजा लिया, दवाइयों के बारे में जानकारी ली, ओपीडी का निरीक्षण किया। वहीं बरसात शुरू होने से पहले डेंगू जैसी बीमारी के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने के निर्देश भी अस्पताल के सीएमएस को दिए। मौके पर पहुंची जॉइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि आज उन्होंने सिविल अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया और जानकारी प्राप्त की। वहीं कुछ मामलों में दिशा निर्देश भी सीएमएस को दिए गए। जो ऑप्शन प्लांट और प्लांट वो करने के लिए कौन इंजीनियरिंग कौन प्रोवाइड करेगा प्लांट सेटअप करने के लिए? मैं वो तो बात हूँ क्योंकि समझ बात नहीं करेंगे वाले कुछ नहीं करेंगे हम वही करेंगे। तो आप एन एच के हाँ मैम हमारे सब पे होगी जनरल वार्ड में भी 84 बेड्स के हमारे जनरल वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई है और ऊपर आईसीयू के अंदर 10 बेड्स है। आपकी 90 बेड का ये है डिपेंड कर सब कुछ हो गया था और थोड़ा सा कोविड के चक्कर में नहीं करा था। प्रशासन के द्वारा नियमित रूप से अस्पतालों का निरीक्षण किया जाना एक स्वाभाविक प्रोसेस है, तो आज उसी के क्रम में हम लोग आके यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें अस्पताल में चल रही हैं, आईसीयू में वर्क चल रहा है, उसके अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट को भी सेटअप करने की कार्यवाही चल रही है, बस सबको मॉनिटर किया गया है और जो नेसेसरी निर्देश हैं वो साथ साथ दिए जा रहे हैं। जिस तरीके की आपको कोई खामियां दिखी हुई जिस तरीके से लगातार जैसे डेंगू का सीजन आने वाला है और कोरोना के भी कई मरीज थे, डेंगू को लेकर यहाँ पे प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी दिखाई दी। एक अलग से आइसोलेशन केंद्र बना रखा है और वहाँ पे प्रत्येक बेड को अच्छी तरीके से कवर किया जा सकता है, आप देखें तो काफ़ी बढ़िया व्यवस्था है। उसके अतिरिक्त कुछ छोटी मोटी जो इशूज़ हैं वो सीएमएस साहब के संज्ञान में ला दिए गए हैं और उसमें कार्रवाई भी की जाएगी, मेरे द्वारा फॉलोअप भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त कोरोना का अभी फॉर्चुनेटली थोड़ा वेव कम हुई है तो उस हिसाब से हॉस्पिटल थोड़ा रिलीव्ड है, परंतु तीसरी वेव की प्रेपरेशन के हिसाब से हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी कमी या हमको दिखेगी उस पर कार्य करने की कोशिश की जाएगी। आईसीयू वार्ड कब तक शुरू हो जाएगा? आईसीयू वार्ड में काम अभी तेज़ी से चल रहा है, काफ़ी सारा इक्विपमेंट पहुँच चुका है, अभी कोई स्पेसिफिक तारीख तो नहीं दी जा सकती, परंतु होपफुली विदिन अ वीक बोला गया है, देखते हैं एक वीक आके दोबारा आके निरीक्षण करके देखा जाएगा कि क्या कमियां हैं।